नेशनल रजिस्ट्रेशन कमेटी आपके सामने। भाई और बहनों, एनएसी के साथ जोड़ो और एनएसी को स्ट्रॉन्ग करो और हमारे पेंशन के बारे में फाइट करने के वास्ते हमारे साथ दो। मैं कभी भी मेरे वीडियो में मैं बताता हूँ संगठन और संघर्ष। कुछ मेरे दोस्त लोग कमेंट करे मेरे वीडियो के ऊपर, अरे क्या भाई साहब कभी भी संगठन संघर्ष बोलते, पेंशन का काम क्या हुआ? अरे बंद करो ये भाषण भी बोले मेरे को, ये कभी भी काम नहीं होता, छोड़ दो। बहुत चीज बोले हैं लोग, मगर हम हमारी लड़ना बंद नहीं करते। जब तक हम संगठन स्ट्रांग नहीं होता तब तक सरकार आंख खुला नहीं करता, ये समझो आप। ये मुद्दे के ऊपर आप लोगों को मैं तमाम वीडियो रिलीज कराऊं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स बताए हूं, किसके वास्ते? आप लोगों के वास्ते कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, ये समझाना कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमारी राइट्स मांग रहे। हमारे पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है। मैं विनती करता हूं जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, चार लोगों को ये वीडियो बताओ एनएसी संगठन क्या है, ये कितना अच्छा संगठन ऑल 28 स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एनएसी के मेंबर्स है, पेंशनदारों के वास्ते लड़ाई कर रहे हैं। तमाम इंडस्ट्री वाले, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शुगर इंडस्ट्रीज और अनएम्प्लॉयड लोग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्या नहीं, जो लोग प्रोविडेंट फंड भरे, जो लोग का प्रोविडेंट फंड का पेंशन आ रहा, उन लोगों के वास्ते दिन और रात हम काम कर रहे हैं उनको मिनिमम पेंशन और हाई एंड पेंशन दिलाने का। ये की मुद्दा हमारा जिंदगी में है, ये छोड़ के कुछ भी नहीं है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है हमारी कमांडर अशोक रावत जी, ये रिटायर्ड नेवी कमांडर है। इनको 80,000 रुपए पेंशन आता है। उनके जिंदगी का एक ही मुद्दा है, ये पेंशनदारों को पेंशन दिलाना। देखो क्या जरूरत है उनको ये काम करने के वास्ते, फिर भी ऐसा लोग एनएसी के साथ जोड़ के काम कर रहे हैं। अभी एक व्यक्ति का नाम बताता हूं मैं आपको, वीरेंद्र सिंह जी, एक इंजीनियर है, वो भी ये हमारी पेंशनदारों के वास्ते दिन और रात कभी भी दिल्ली में पड़े रहते हैं, आज भी दिल्ली में है, एक महीने से दिल्ली में बैठे हैं, छोटे छोटे रूम और रोटी वीटी बांध लेके जाते हैं, दिन और रात मिनिस्टर को घर को फिरते, ऑफिस को फिरते हैं, किसके वास्ते? हमारे पेंशनदारों का काम करने के वास्ते। मैं इसके वास्ते बता रहा हूँ आप लोगों को, जो जो लोग नेशनल रजिस्ट्रेशन कमेटी का मेंबर नहीं हुए, जाइए आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके कंसर्न्ड कंपनियों में जाके मेंबर बनिए और संगठन के साथ साथ दिए, संगठन मजबूत करिए। और भाइयों, ये संगठन का काम कल ही खत्म होता, बल्कि कभी भी खाब मत दीजिए, ये बहुत लंबा काम है। जब तक हमारा पूरा काम नहीं होता हम खत्म नहीं कर सकते। संगठन हमेशा स्ट्रांग रहना, लॉन्ग रहना, ये नहीं तो अलग मुद्दा हमको सॉल्व करना ही पड़ता है। ये हम जाने के बाद अलग लीडर आएगा। चार लोगों के वास्ते अच्छा काम करो, भगवान आपको दुआ देगा। मेरा एक विनती है, गालियां मत दो मेरे को,
इसके वास्ते बात कर रहा हूँ बोल के, सिर्फ पेंशन के वास्ते। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे चीफ कोऑर्डिनेटर को रमाकांत नरगुणे जी को, जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी संगठन चल रहा है, जितने भी पेंशनर्स हैं उनके बारे में बातें कही कि संगठन को मजबूत करिए, इसको ताकत दीजिए और संगठन में चार लोगों को आप बताइए और हमारे एनएसी के संगठन को जोड़िए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए अगर आप संगठन को मजबूत रखोगे तो सरकार आपकी पुकार को सुनेगी, तभी जाके आपकी पेंशन बढ़ पाएगी। और ये मैं नहीं, इसके लिए कमांडर अशोक रावत जी भी यही बात कहते हैं। दोस्तों अभी आपने सुना था यहाँ पर रमाकांत नरगुणे जी को, और उन्होंने ये भी बताया कि कमांडर अशोक रावत जी भी है जो भी हमारे साथ संगठन को मजबूत करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है उसको पूरा कराने के लिए, ताकि उनको पेंशन मिल सके और सरकार तक उनकी जो पुकार है वह जा सके, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका पेंशन, उनके हक मिल सके। जो मिनिमम पेंशन है और हायर पेंशन है वो जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी हो सके। तो सरकार तक उनकी पुकार को पहुंचाने के लिए, उनकी मांग को पूरी कराने के लिए यहाँ पर संगठन को मजबूत करते रहे, संगठन के साथ चलते रहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि अपने चार लोगों को और बताइए कि ईपीएस 95 पेंशन क्या है और उसको हम कैसे ले सकते हैं और इसको बढ़वाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ये बातें सबको आप बताइए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं अपने द्वारा। तो दोस्तों आशा करता हूँ अभी आपने रमाकांत नरगुणे जी को सुना था और आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो ना तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।